हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, ये स्क्वाड का फ्राना है TRX 2319 मॉडल, और आज हम इसके यूरिया डोजर पम्प के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आप लोग को ले कर चलते हैं जहाँ पर यूरिया डोजर पम्प लगा हुआ है, और उसके वायरिंग के बारे में बताते हैं कि जो उसका वायरिंग वो किस प्रकार है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये यूरिया डोजर पंप है और इसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसी के वायरिंग के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि अगर जो यूरिया डोजर पंप काम ना करे और मशीन यूरिया ना खाए, जिसके चलते उसका पिकअप ना बन पाए और उसके RPM का इशू रहे, तो आप लोग उसका वायरिंग किस प्रकार से चेक करेंगे। तो चलिए जो उसका कनेक्टर उसको निकाल लेते हैं और फिर आप लोग को उसके वायरिंग के बारे में बताते हैं कि जो इसका वायरिंग वो किस प्रकार है, और आप लोग को दिखाते हैं कि कितना पिन का कनेक्टर है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो देख सकते हैं हम कनेक्टर को निकाल रहे हैं, और जैसे ही कनेक्टर निकल जाएगा फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कितने पिन का कनेक्टर है और जो इसका वायरिंग वो किस प्रकार है, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप लोग के सामने यूरिया डोजर पम्प के वायरिंग से रिलेटेड इशू आए और उसका वायरिंग कहीं भी से ब्रेक हो जाए, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से उसका वायरिंग आसानी से चेक कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों, कनेक्टर निकल गया है और ये 12 पिन का कनेक्टर है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें 4 पिन खाली है और 8 पिन यूज किए हैं। तो इसी के वायरिंग के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि जो इसके वायर हैं वो ECM के कौन से पिन में गए हुए हैं, और जिससे आप लोग को चेक करने में आसानी हो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए, और जिससे आप लोग का हेल्प हो। तो अगर आपके मशीन में P26E8 फॉल कोड एक्टिव रहे, या P26E9 फॉल कोड एक्टिव रहे, या P201A फॉल कोड एक्टिव रहे, या P20A0 फॉल कोड एक्टिव रहे, तो आप लोग यूरिया डोजर पम्प का वायरिंग चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉल कोड है दोस्तों वो यूरिया डोजर पम्प का ही है। तो चलिए आप लोग को इसके वायरिंग डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। तो ये उसका वायरिंग डायग्राम है दोस्तों, देख सकते हैं, एक तरफ यूरिया डोजर पंप है और एक तरफ इंजन इश्यू का बी कनेक्टर है। तो ये 12 पिन का कनेक्टर है दोस्तों, जिसमें 4 पिन खाली है और 8 पिन यूज के हैं। तो जो 4 पिन खाली है दोस्तों, उसको मैंने इस डायग्राम में नहीं दर्शाया है, लेकिन जो 8 पिन यूज के हैं उसको मैंने इस डायग्राम में दर्शा दिया है। तो जो इसका 2 नंबर पिन है दोस्तों, वो 5 वोल्ट सप्लाई का है। अगर जो आप लोग उसमें वोल्टेज चेक करेंगे तो 4.5 वोल्ट से लेके 5.75 वोल्ट तक सप्लाई शो होगा, जो इंजन इश्यू के बी कनेक्टर के 24 नंबर पिन में चला जाता है। और जो इसका 3 नंबर पिन है दोस्तों, वो सिग्नल का है। अगर जो आप लोग उसमें वोल्टेज चेक करेंगे तो 0.25 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक सप्लाई शो होगा, जो इंजन इश्यू के बी कनेक्टर के 54 नंबर पिन में चला जाता है। और जो इसका 4 नंबर पिन है दोस्तों, वो ग्राउंड का है, जो इंजन इश्यू के बी कनेक्टर के 53 नंबर पिन में चला जाता है। और जो इसका 8 नंबर पिन है दोस्तों, वो भी ग्राउंड का है, जो इंजन इश्यू के बी कनेक्टर के 7 नंबर पिन में चला जाता है। और जो इसका 9 नंबर पिन है दोस्तों, वो 24 वोल्ट सप्लाई का है, जो इंजन इश्यू के बी कनेक्टर के 71 नंबर पिन में चला जाता है। लेकिन जो 9 नंबर पिन है दोस्तों, जब हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए इसमें 24 वोल्ट सप्लाई रहता है, उसके बाद से ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इसका 10 नंबर पिन है दोस्तों, वो सिग्नल का है। अगर जो आप लोग उसमें वोल्टेज चेक करेंगे तो 0.25 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक सप्लाई शो होगा, जो इंजन इश्यू के बी कनेक्टर के 9 नंबर पिन में चला जाता है। और जो इसका 11 नंबर पिन है दोस्तों, वो 24 वोल्ट सप्लाई का है, जो इंजन इश्यू के बी कनेक्टर के 51 नंबर पिन में चला जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ टाइम तक ही 24 वोल्ट सप्लाई रहता है दोस्तों, उसके बाद से 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इसका 12 नंबर पिन है दोस्तों, वो भी सिग्नल का है। अगर जो आप लोग उसमें वोल्टेज चेक करेंगे तो 0.25 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक सप्लाई शो होगा, जो इंजन इश्यू के बी कनेक्टर के 27 नंबर पिन में चला जाता है। तो इस प्रकार से इसका वायरिंग डायग्राम है दोस्तों। तो डायग्राम मैंने इसलिए दिखा दिया है दोस्तों, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप लोग के सामने यूरिया डोजर पंप के वायरिंग से रिलेटेड इशू आए
और उसका वायरिंग कहीं भी से ब्रेक हो जाए तो आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से उसका वायरिंग आसानी से चेक कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फिर आप लोग के लिए अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ और जिससे आप लोग का हेल्प हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।